हरे कृष्णा उत्तराखंड चैनल में आप लोगों का स्वागत है। और आज हम कुछ ऐसे प्रश्नों को लेकर आए हैं आपके सामने, क्योंकि ये प्रश्न भी बहुत, इनका उत्तर देना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम लोग पहले से ही वी आर ऑल इन माया, इन इल्यूजन, वी आर मिसगाइडेड बाय सो मेनी पीपल इन अवर लाइफ। तो ये प्रश्न जो मैं अभी जो मुझे सुनने को मिला है किसी से, क्योंकि ये प्रश्न ये है कि क्या हमें गुरु की आवश्यकता है उस परम सत्य को जानने के लिए। तो देखिए, उस परम सत्य को जानने के लिए गुरु की कोई आवश्यकता नहीं है, किसी धर्म की आवश्यकता नहीं है, किसी ग्रुप की, किसी ऑर्गेनाइजेशन की, किसी सोसाइटी की आवश्यकता नहीं है उस परम सत्य को जानने के लिए, क्योंकि आप ही अपने गुरु हैं। तो इस प्रकार ये किसी व्यक्ति का कहना है कि आप अपने आप में समर्थवान हैं, आप उसे समझ सकते हैं और आप उसे जान सकते हैं, आपको किसी प्रकार की किताबों की आवश्यकता नहीं है, किसी प्रकार के धर्म की आवश्यकता नहीं है, किसी प्रकार की सोसाइटी, किसी प्रकार के ऑर्गेनाइजेशन की आपको आवश्यकता नहीं है। तो ये जो प्रचार चल रहा है, तो ये बड़ा ही मूर्खतापूर्ण प्रचार है। और इन बातों में जो हमारे एक बहुत अच्छे मित्र जो कि इन बातों में आके, इन स्पेकुलेशन में, जो कि मनगणत जिसे कहेंगे, मनोधार्मिक, मनोधर्म जो जिसका फैलाया हुआ है किसी व्यक्ति के द्वारा, इन बातों में वो आके फंस चुके हैं, उलझ चुके हैं इन शब्द जाल में। तो देखिए, सबसे पहला पॉइंट तो मैं यही कहूँगा कि जो व्यक्ति ये कहता है, ये ऐसा कहा है, मैं उसका नाम नहीं यहाँ मेंशन करूँगा, तो ऐसे बहुत लोग फेमस हैं पूरे विश्व में, अलग अलग नास्तिक लोग भी फेमस हैं और आस्तिक लोग भी फेमस हैं। असुर भी बहुत फेमस हैं, असुरों को भी बहुत ज्ञान रहता है, असुरों के पास भी बहुत शक्ति रहती है, असुरों का भी बहुत ऐश्वर्य रहता है, मगर इसका मतलब ये नहीं कि हम उनके गुणों से, इन गुणों से प्रभावित होकर उनके दास बन जाएं या उनको सुने। तो उसी प्रकार से एक व्यक्ति जो कहते हैं कि हमें किसी प्रकार के गुरु की आवश्यकता नहीं है, हमें किसी प्रकार की किताबों की आवश्यकता नहीं है, हमें किसी प्रकार के धर्म की आवश्यकता नहीं है, किसी प्रकार की ऑर्गेनाइजेशन को, संस्था की हमें आवश्यकता नहीं है, वी कैन बी आवर ओन गुरु, आवर सेल्फ, किसी को सुनने की जरूरत नहीं है। मगर सबसे हैरानी वाली बात जो मुझे लगती है वो ये है कि इन बातों में जो हमारे जो बहुत ही अच्छे मित्र हैं, वो कैसे, जो कि बहुत अच्छे टीचर हैं, विद्वान हैं, वो कैसे इन बातों में फंस गए। क्योंकि देखिए, हम ज़्यादा शास्त्रों की बात ना करते हुए एक सिंपल कॉमन सेंस की बात करते हैं कि जो व्यक्ति ये कह रहा है कि किसी प्रकार के गुरु की आवश्यकता नहीं, किताबों की आवश्यकता नहीं, धर्म की आवश्यकता नहीं, हम अपने आप में गुरु हैं, तो आप ऐसे लोगों को सुन क्या क्यों रहे हैं और ऐसे लोगों के पास आप करने क्या जा रहे हैं। और ऐसा व्यक्ति जो ये कह रहा है कि किसी प्रकार के गुरु की जरूरत नहीं है, वो तो स्वयं गुरु बनकर अलग अलग जगहों पर, अलग अलग स्थानों में क्लास दे रहा है, अलग अलग प्रश्नों के उत्तर दे रहा है, प्रश्नों का समाधान कर रहा है, और वही व्यक्ति कहता है कि किसी प्रकार की गुरु की आवश्यकता नहीं है, और वही व्यक्ति कहता है कि किसी प्रकार की पुस्तकें पढ़ने की जरूरत नहीं है, और जबकि सारी दुनिया उसकी पुस्तकें पढ़ रही है। तो ये जो कॉन्ट्रोवर्सी है, ये जो विरोधाभास हमें देखने को मिल रहा है, तो इसीलिए प्रभुपाद जी ने कहा है द पीपल आर वेरी लेस इंटेलिजेंट, जो मूर्ख हैं, जो श्रील प्रभुपाद जी जो कि इस कौन संस्था के फाउंडर चाह रहे हैं, वो कहते हैं कि साधारणतः जो जनता है वो क्या है, अल्पज्ञ है, बहुत उनकी बुद्धि जो है वो क्या है, बड़ी अल्प है, बहुत कम है। तो इसीलिए ऐसे लोगों से वो प्रश्न नहीं करते हैं कि सर आप कह रहे हैं कि हमें किसी प्रकार की गुरु की आवश्यकता नहीं है, किसी प्रकार की किताबों की, धर्म की, किसी भी प्रकार की आवश्यकता नहीं है, किसी चीज़ की आवश्यकता नहीं है, तो हम आप यहाँ क्या करने आए हैं। सिंपल सा ये प्रश्न है कि आप फिर यहाँ क्या करना है, आप हमें क्या सुनाने आए हैं और आप अपनी किताबों में क्या लिख रहे हैं। तो इस प्रकार से ये मूर्खता पूर्ण और माया का जो शब्द जाल बुना जा रहा है चारों तरफ लोगों के, तो लोग वैसे ही पहले भ्रमित हैं और माया में हैं, और ऐसे लोगों को सुनकर लोग और भ्रमित और अपने दिमाग को और डल कर देते हैं। देखिए, श्रीमद् भागवत गीता में सभी प्रकार के आंसर हैं, वेदों में, उपनिषदों में, परंतु समस्या क्या है, कहाँ है कि जब हम इन ग्रंथों को खोलते हैं और हमें समझ में नहीं आता है, तो हम इनको बंद करके एक साइड में रख देते हैं। फिर हम क्या करते हैं, फिर हम अपना मोबाइल उठाते हैं
और उस मोबाइल में आने वाले जो अलग अलग स्पीकर हैं, मोटिवेशनल स्पीकर हैं, देन वी स्टार्ट टू लिसन देम, तब हम उनको सुनना शुरू करते हैं। और हमें उनका जो द प्रेजेंस ऑफ माइंड या और जो उनका जो बोलने का जो स्टाइल है या जो उनकी अलंकारमयी भाषा है या जो उनके लिए जगलरी शब्द हैं, जो जगलरी वर्ड्स हैं, वो हमें इतने मोहित कर लेते हैं, इतने अट्रैक्टिव कर लेते हैं कि हम उनको अपना गुरु, उनको अपना लीडर और आदर्श मान लेते हैं। और मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि मैंने जहाँ तक जितने भी लोगों को सुना है, वे सभी वही बात कह रहे हैं जो श्रीमद् भगवद गीता में कृष्ण कह रहे हैं। और वो क्या कर रहे हैं, जिसे कहा जाएगा ओल्ड वाइन सेलिंग इन ए न्यू बॉटल, तो वही पुरानी फिलॉसफी को वो नए ढंग से दे रहे हैं। बट दिस इज़ कॉल्ड चीटिंग ऑल्सो, मगर इसमें एक प्रकार की चीटिंग भी वो लोग कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि भगवद्गीता के श्लोकों को, भगवद्गीता की जो इंस्ट्रक्शंस है, जो टीचिंग्स है, उन्हीं को लेकर कृष्ण को वहाँ से बाहर निकाल दिया गया है। जो कृष्ण, जो कि भगवद्गीता के मेन प्रवक्ता हैं, मेन बोलने वाले हैं, उन्हीं को भगवद्गीता में से बाहर निकाल कर अपना प्रेजेंटेशन लोग दे रहे हैं। अपना मान, अपनी बड़ाई, अपनी पोस्ट पोजिशन के पीछे लोग लगे हुए हैं। तो मेरा उन सर से यही एक उम्मीद रहेगी कि कृपया आप अपनी कॉमन सेंस को यूज़ कीजिए, अपने विवेक को यूज़ कीजिए, कि जो लोग इस प्रकार से कह रहे हैं कि हमें किसी प्रकार की सोसाइटी, धर्म या उसकी आवश्यकता नहीं है, तो मेरा प्रश्न यह है कि वो स्वयं ऐसे वो लोग स्वयं क्यों गुरु बन के प्रवचन कर रहे हैं, क्यों क्लासेस कर रहे हैं, क्यों बुक्स लिख रहे हैं, क्यों क्वेश्चन के आंसर दे रहे हैं? इसका मतलब आपने उन्हें गुरु स्वीकार कर लिया। और जबकि वो कह रहे हैं कि किसी गुरु की आवश्यकता नहीं है, तो वो उनका काम क्या है फिर दुनिया में? वो क्यों दुनिया में ज्ञान बांटते फिर रहे हैं जब गुरु की आवश्यकता ही नहीं? यू आर इनफ टू अंडरस्टैंड योर सेल्फ, अगर आपको लगता है ऐसा, इफ़ यू आर थिंकिंग यू आर वेरी कैपेबल, यू आर वेरी इंटेलिजेंट, यू आर लाइक दत्तात्रेय, मे बी यू हर्ड द नेम ऑफ दत्तात्रेय। दत्तात्रेय जी जो कि भगवान का अंश अवतार हैं, जिन्होंने 24 गुरु बनाए, और वो 24 गुरु में से कोई कबूतर है, कोई कौआ है, तो कोई सांप है, तो इस प्रकार से उन्होंने प्रकृति में ऐसे ही 24 गुरु बनाए। और उन 24 गुरुओं के द्वारा उन्होंने जीवन से कुछ ना कुछ, प्रत्येक चीज़ से कुछ ना कुछ सीखा। तो अब मेरा प्रश्न ये है, क्या हमारी साधारण जनता क्या इतनी बुद्धिमान है, क्या इतनी विवेकवान है, क्या इतने वो सतोगुणी हैं? तो सबसे पहला पॉइंट तो यही है मेरा सबसे, कि पहले हमें अपनी पात्रता हासिल करनी होगी। हमें यही नहीं पता कि हम मांग क्या रहे हैं, हम चाह क्या रहे हैं। तो उदाहरण के तौर पे मैं बताना चाहूँगा कि शेरनी का जो दूध है, जो कि इतना पावरफुल होता है, वो किसी भी बर्तन में नहीं आता है, एक्सेप्ट ओनली गोल्ड, वो स्वर्ण के पात्र में, सोने के पात्र में ही शेरनी का दूध जो कि उसको धारण कर सकता है। तो उसी प्रकार से हमारी जो पात्रता है, क्या वी आर कैपेबल, आर वी एलिजिबल, क्या हम उस चीज़ के, क्या वी आर क्वालिफाइड, क्या हम उसके योग्य हैं, जो ज्ञान हम धारण करना चाहते हैं, या जिस परम सत्य की, द सुप्रीम कॉन्शियसनेस को जो हम अपने अंदर उतारना चाहते हैं या जिसे समझना चाहते हैं, क्या हम उसके कैपेबल हैं, क्या हम एलिजिबल हैं, क्या वी आर क्वालिफाइड? अरे हमारा भोजन ही देख लीजिए, हमारा भोजन ही क्या है, सात्विक नहीं है, हमारा भोजन ही सात्विक नहीं है, हमारा आहार विहार, हमारी दिनचर्या ही सात्विक नहीं है, और हम बातें करते हैं बड़ी बड़ी। और ये हमारे शास्त्रों में भी देयर इज अ डिफरेंट फिलोसोफर, अलग अलग मुनि हुए हैं अब, जिन्होंने अपने अलग अलग निर्णय दिए हैं। तो क्या कहते हैं महाभारत में कि तर्को प्रतिष्ठा श्रुते विभिन्ना, ये तर्क के द्वारा आप इनकंसीवेबल जो कि परम तत्व है, द सुप्रीम कॉन्शियसनेस, यू कैन नॉट अंडरस्टैंड बाय द मेटेरियल आर्गूमेंट्स, आप इस भौतिक जगत की बातों से, भौतिक जगत के जो तर्कवाद हैं, इनके द्वारा आप उस परम सत्य को नहीं समझ सकते। हाँ, ये लिखा है शास्त्रों में कि जहाँ आपकी इंद्रियाँ, आपका मन, आपकी वचन, आपकी भाषा, आपकी बुद्धि, ये सब भौतिक है, और ये भौतिक चीज़ें उस परम सत्य को जान नहीं सकती। तो कैसे जानेंगे उस परम सत्य को? उस परम सत्य को जानने के लिए सर्वप्रथम हमें खोजना होगा। किसे खोजना होगा? हमें गुरु खोजना होगा। अब अगला प्रश्न यह है कि गुरु को कैसे खोजा जाता है? तो गुरु को अगर हम खोजेंगे तो हमारी जो जड़ आँखें हैं, ये जड़ दिखाएंगी। हम अब गुरु को ढूंढने अगर हम निकले हैं, तो गुरु, हम सोचेंगे फिर अब गुरु
हाँ गुरु, ये मुझे गुरु जैसा लगता है क्योंकि इसकी दाढ़ी बहुत बड़ी बड़ी है, इसकी जटाएँ बहुत बड़ी बड़ी है, उसका जो गेस्टर है पोस्टर है वो जो बहुत अट्रैक्टिव है ये हमें अट्रैक्ट करता है, या इसकी भाषा बहुत सुंदर है, ये गाता बहुत अच्छा है, हाँ ये गुरु बनाने लायक है। नहीं, हम अपनी इस खोपड़ी के द्वारा जो कि देहात्म बुद्धि है, दैट इज मेटेरियल से जो भरी पड़ी है, जड़ जड़ है हमारी बुद्धि, इससे हम गुरु की खोज नहीं कर सकते। इसलिए शास्त्र कहता है कि आपको बेहतर यही है कि यू मस्ट क्राई फॉर योर गुरु, कि जो हर्ट है, कि जो हृदय है, इसके अंदर आत्मा और परमात्मा दोनों विराजमान हैं, और जो कि जो सुपर सोल, इट विल गाइड यू इफ़ यू क्राई फॉर कृष्ण, इफ़ यू क्राई फॉर गुरु। तो यदि आप रोते हैं गुरु की तलाश में, तो ज़रूर भगवान आपका मार्गदर्शन करेंगे, क्योंकि हम अपनी जड़ बुद्धि के द्वारा, जड़ इंद्रियों के द्वारा उस परम सत्य को नहीं समझ सकते। तो इसके लिए हमें गुरु की आवश्यकता है। और गुरु कैसा, क्या तांत्रिक गुरु, या कोई मैजिशियन गुरु, या कोई हवा में उड़ने वाला, आग में जाने वाला, आग में चलने वाला, पानी में चलने वाला, ऐसा गुरु नहीं। शास्त्र बोल रहे हैं गुरु ऐसा जो श्रोत्यम ब्रह्मनिष्ठम, जिसके पास वेदों का संपूर्ण सार है, और जो ब्रह्मनिष्ठम है, और जिसके ऊपर भगवान की कृपा हुई है, जिसके ऊपर भगवान की कृपा काम कर रही है, वहाँ गुरु काम नहीं करता है, भगवान ही गुरु के माध्यम से काम करते हैं, ऐसा गुरु। तो इसीलिए अगर आपको लगता है, अगर आपको डाउट है कि ऐसा गुरु संसार में मिलना मुश्किल है, तो आपको क्या करना चाहिए, तो आपको रोना चाहिए, आपको भगवान के आगे रोना चाहिए, आपको हृदय से, भाव से आपको रोना चाहिए कि मेरे पास गुरु नहीं है। वही जो हृदय में बैठे चित्त गुरु, ईश्वर सर्वभूतानाम हृदयेषु अर्जुन तिष्ठति, ईश्वर जो कि सबके हृदय में बैठा है अर्जुन, तो वो आपको गाइड करेगा, वो आपको गुरु दिलाएगा। इस संसार में हम देखते हैं कि अगर मुझे अपने शरीर को जानना है कि शरीर के अंदर हर्ट या किडनी या लंग्स कैसे काम करते हैं, तो मैं अपने आप कैसे जान सकता हूँ इस संसार की, तो तुच्छ ये भौतिक संसार की छोटी सी बात को भी मैं अपने आप नहीं जान सकता हूँ, तो जो परम सत्य है उसको मैं अपने आप कैसे जानूँगा। अभी उदाहरण के तौर पे, अगर किसी व्यक्ति ने कभी भी मीठा खाया ही नहीं, केवल उसने कड़वा ही खाया है, उसने नीम ही खाया है, और आप कभी उसको बताएं कि भैया रसगुल्ले का स्वाद बहुत मीठा होता है, तो वो क्या समझेगा इससे, मी और ठा कहने से क्या वो समझ जाएगा, नहीं समझेगा। क्यों? क्योंकि जब तक वो स्वयं मीठा नहीं खाएगा, तब तक उसे मीठे का अनुभव नहीं होगा और मीठे की जानकारी नहीं होगी। उसी प्रकार से तो गुरु जो है वो हमें मार्गदर्शन करते हैं, कहाँ हम गलती करते हैं, कहाँ हम भटक जाते हैं, हमें सही करने के लिए हमारे ऊपर शासन करते हैं। तो इसीलिए गुरु की आवश्यकता पड़ती है, ताकि हमें मालूम पड़े कि हम कौन सी डायरेक्शन को चल रहे हैं, हमारी डायरेक्शन में जो हम चल रहे हैं वो सही भी है या गलत है। तो इसीलिए हमें गुरु की आवश्यकता पड़ती है। और आजकल जो हमें देखने को मिल ही रहा है कि लोग भाग रहे हैं गुरु को, एक एज अ फैशन, जैसे हम लोग कुत्ते घर में पालते हैं, ऐसे लोग गुरु को पालना शुरू कर दिए हैं। लोग गुरु पाल रहे हैं कि हमारा भी गुरु है, हाँ जी हम भी किसी से जुड़े हैं, हमारा भी गुरु है, मगर गुरु बनाने से काम नहीं होगा। शास्त्र कह रहे हैं कि गुरु बनाने से काम नहीं होगा, क्योंकि गुरु जो कह रहा है उस पर चलना भी हमें पड़ेगा। और जहाँ तक मैं समझता हूँ, जो लोग ऐसा कहते हैं कि किसी प्रकार के गुरु की, किसी प्रकार की इंस्ट्रक्शंस, उपदेश की हमें ज़रूरत नहीं है, तो इसका मतलब वो बचना चाहते हैं अपनी इंद्र तृप्ति से। वो चाहते हैं कि हमारी इंद्र तृप्ति चलती रहे, हम जो खाते हैं, हम जो पीते हैं, हम जो इंजॉय करते हैं, वो चलता रहे, और हम अपने आप उस भगवान को भी प्राप्त कर लें। ये बड़े ही मूर्खतापूर्ण विचार हैं, क्योंकि हम जब इस जीवन में चलते हैं, तो इस जीवन के प्रत्येक मोड़ पे हमें मार्गदर्शन करने के लिए कभी टीचर, कभी अपने माता पिता, कभी अपने रिश्तेदार, और कभी साधारण जनता से हमें गाइडेंस लेनी ही पड़ती है। तो उसी प्रकार से उस परम सत्य को जानने के लिए हमें कॉमन सेंस जो लगाने की ज़रूरत है, वो क्या है कॉमन सेंस, कि अपने आप कभी भी किसी को ज्ञान नहीं होता है, कभी भी किसी को ज्ञान नहीं होता अपने आप। हाँ, अगर आप देखते हैं कुछ एक्सेप्शनल केसेस हैं ऐसे
कि महात्मा बुद्ध हैं, गुरु नानक देव जी हैं, जिन्हें स्वतः ज्ञान हुआ है, किंतु हम उनके पिछले जन्म को नहीं जानते हैं। क्योंकि गीता में भगवान कहते हैं 7.28 सातवें अध्याय का 28वां श्लोक कि येषां तु अंतगतम पापम, जिनके पिछले और इस जन्म के पापों पाप जो कि नष्ट हो चुके हैं, येषां तु अंतगतम पापम जननाम पुण्य कर्मणाम, और जिनके पुण्य कर्म उदय हो गए हैं, ते द्वंद मोह निर्मुक्ता भजन्ते माम दृढ़वता, वे द्वंद्वों से और मोह से निर्मुक्त होकर मेरा भजन करते हैं। तो भजन करना इतना आसान नहीं है। ते द्वंद मोह निर्मुक्ता भजन्ते माम दृढ़वता, तो वो दृढ़ता पूर्वक भजन करते हैं। इसीलिए भगवद गीता के 6 अध्याय में भगवान कह रहे हैं, अर्जुन प्रश्न कर रहे हैं कि हे भगवान, जो योगी जो भक्त आपके पथ का अनुसरण तो करते हैं, परंतु आपके पथ से अगर भ्रष्ट हो जाएं, अगर वो पतित हो जाएं, तब उनका क्या होगा? तो भगवान कहते हैं कि ऐसे लोग सुचिताम श्रीमताम गेहे योगो भ्रष्ट अभिजायते, कि ऐसे लोग स्वर्ग लोक में जाते हैं और स्वर्ग लोक में या ऊंचे लोक में जाते हैं, और वहाँ से फिर जब दोबारा पृथ्वी लोक में आते हैं तो वो ब्राह्मण घर में जन्म लेते हैं या फिर धनवान घर में जन्म लेते हैं, और उस जन्म को ग्रहण करने के बाद वे दोबारा जो कि अपने पिछले जन्म में जो उन्होंने योग सिद्धि या भजन जो उन्होंने किया था, वो पुनः उस कार्य को करने में दोबारा लग जाते हैं, और इसके बाद अनेक जन्म संसिद्धि, इसके बाद अनेक अनेक जन्मों के बाद साधना करने के बाद वे सफल होते हैं। तो हमें नहीं मालूम कि इतने महान जो साधु हुए उनके पिछले जन्म में उन्होंने कितनी तपस्या की है। तो इसीलिए जैसा कि मैं बता रहा था कि चर्वक मुनि ऋणं कृत्वा घृतं पीबेत यावत् जीव सुखं जीवेत, तो चर्वक मुनि एक बहुत बड़े फिलोसोफर हुए हैं, बहुत बड़े दार्शनिक हुए हैं, जो कहते हैं कि ये संसार जो है इन्जॉयमेंट करो, इस संसार में इंजॉय करो, इसका भोग करो, ऋणं कृत्वा घृतं पीबेत, जितना हो सके दबा के घी पियो, चाहे ऋण करके पियो, किसी से कर्जा करके घी पियो, मगर घी पियो। क्यों? कह रहे हैं भस्मीभूतस्य देहस्य, क्या पता ये शरीर भस्म हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा, और क्या पता दोबारा मिले या ना मिले। तो देखिए, इस प्रकार के टीचर को, इस प्रकार के गुरु को जो लोग फॉलो करेंगे तो ये नास्तिकवाद है, तो उनके शिष्य भी नास्तिक होंगे। देखिए, सकल पदार्थ इस जग माही, तुलसीदास जी कह रहे हैं इस संसार में सभी प्रकार के पदार्थ हैं, आपको भोग की कामना है, आपको मुक्ति की कामना है, आपको मोक्ष की कामना है, आपको वैकुंठ की कामना है, ये सारे इस संसार में पर्याप्त हैं। अगर ये पर्याप्त नहीं होते तो क्यों लोग इसके लिए प्रयास करते हैं? तो इसीलिए मेरा आप सबसे हाथ जोड़ के विनती है कि गुरु साधु शास्त्र ये हमारा मापदंड कि किस प्रकार से किसी बात की सत्यता को कैसे मालूम करें हम। अगर कोई व्यक्ति सत्य बोल रहा है, अगर मैं कुछ कह रहा हूँ और अगला आदमी कुछ कह रहा है, मगर अगर वो भी सत्य कह रहा है, मैं भी सत्य कह रहा हूँ, और हम दोनों झगड़ रहे हैं, तो सत्य का निर्धारण कौन करेगा? तो इसलिए कहा गया है गुरु साधु शास्त्र, कि गुरु वही कहेगा जो शास्त्र में लिखा है, और शास्त्र में जो लिखा है वही गुरु कहता है। तो ये हमारा मापदंड है सच्चाई को जानने का। तो इसीलिए जब हम अलग अलग गुरुओं के पास जाते हैं, हम पजल हो जाते हैं, हम कंफ्यूज हो जाते हैं। तो इसीलिए कहा जाता है कि अलग अलग गुरु के पास नहीं जाना चाहिए, क्योंकि अलग अलग गुरु एक अलग अलग विधि, अलग अलग साधना को लेकर बैठा हुआ है, और आप वहाँ पजल हो जाएंगे। और आप एक ऐसे व्यक्ति के पास जा रहे हैं, वन हु इज मेंटल स्पेकुलेटर, जो स्पेकुलेशन कर रहा है कि भैया किसी गुरु की आवश्यकता ही नहीं है, और वो व्यक्ति पूरी दुनिया में फेमस गुरु होके फेमस हो रहा है, किताबों में उसका नाम आ रहा है, किताबें छापी जा रही हैं, और वो क्वेश्चन के आंसर दे रहा है, बड़ी बड़ी सभाएं कर रहा है, लोगों से मिल रहा है, और बोल रहा है कि किसी गुरु की आवश्यकता नहीं है। तो वो कर क्या रहा है फिर? वो स्वयं क्या कर रहा है? वो तो स्वयं गुरु का ही कार्य कर रहा है। तो इसे कहते हैं कॉमन सेंस, विच इज़ नॉट सो कॉमन। तो इसीलिए जनता जो है वो मूर्ख होती है, और ऐसे धूर्त लोगों के कारण वो भटक जाती है अपने मार्ग से। तो इसलिए आप सबसे हाथ जोड़ के हमारी विनती रहेगी कि श्रीमद् भगवद गीता को खोलिए, उसे पढ़िए, उसे समझने का प्रयत्न कीजिए, और अगर समझ ना आए तो भक्तों से पूछिए, क्योंकि शास्त्र कहता है भागवत पढ़ो भागवते स्थाने, कि भागवत का श्रवण या भागवत जो हमें पढ़ना चाहिए, ये कहाँ, ये भक्तों के सानिध्य में हमें इसका अध्ययन करना चाहिए। भक्ति भगवत संगेन परिजायते,
तो अगर हम भक्ति करना चाहते हैं तो वो भक्तों के संग में ही उसका जन्म होगा। ये बात हम भी जानते हैं कि पढ़िया सुनिया भक्ति कबू नहीं होए। भक्ति में ठाकुर कहते हैं कि पढ़ने से सुनने से भक्ति नहीं होती है। यहाँ तक कि कठोपनिषद का ये वाक्य है, न अयम आत्मा प्रवचने न लभ्यो, न बहु न श्रुते न, न मेधसा न बहु न श्रुते न। मैं तो ज़्यादा पढ़ने से सुनने से भी प्राप्त नहीं होता हूँ, भगवान कह रहे हैं। तो कैसे प्राप्त होते हैं? यम एव एष वर्णते तेन लभ्य तत्स्याम, जिसे जिस पे मैं कृपा करता हूँ वही मेरा दर्शन कर सकता है। तो इसका मतलब अब हम क्या हाथ पर हाथ धर के बैठे रहें कि भगवान कृपा कब करेंगे तभी दर्शन होंगे? नहीं, उस कृपा को प्राप्त करने के लिए हमें कुछ ऐसे कार्य करने होंगे कि हम भगवान का ध्यान अपनी ओर अट्रैक्ट करें, अपनी ओर आकर्षित करें कि भगवान हम हमारे ऊपर भी कृपा करें जैसा वे करते आए हैं अन्य महात्माओं के ऊपर। तो आशा रखता हूँ कि हमारे जो टीचर जिनका ये प्रश्न था और जो कि अपने मार्ग से भटक रहे हैं, तो होप कि अगर पुनः भगवद गीता को एक बार फिर से अगर स्टडी करें तो उन्हें उनके आंसर उनको ज़रूर मिलेंगे। बाकी अगर वो ऐसा सोचते हैं कि हम उन्हें फोर्स कर रहे हैं तो हमारा ऐसा कोई फोर्स नहीं है, क्योंकि भगवान भी अर्जुन को कभी भी फोर्स नहीं करते हैं। यथा इच्छसि तथा कुरु, अर्जुन मैंने तुम्हें सब बता दिया है, ये रास्ता मुक्ति का है, ये रास्ता स्वर्ग का और नर्क का, और ऊर्ध्वं गच्छन्ति सत्वस्थः मध्ये तिष्ठन्ति राजसः जघन्य गुण वृत्तस्थः अधो गच्छन्ति तामसः। तो जो व्यक्ति जिस गुण में है इस प्रकार वो अपनी गति प्राप्त करता है। तो भगवान सभी प्रकार का ज्ञान देने के बाद अर्जुन को जो हमारी जीवों की जो फ्री विल है उसके अनुसार भगवान अर्जुन से कहते हैं यथा इच्छसि वट एवर यू वांट नाउ। अब आप चाहे युद्ध करें या युद्ध से पलायन करें, यह आपकी इच्छा है। तो उसी प्रकार से हम हमारे जो टीचर हैं हम उनसे कहना चाहेंगे कि अब ये हमने तो अपनी तरफ से उन्हें बताया, बाकी अगर फिर भी अगर समझ में नहीं आ रहा तो वो भगवद गीता खोल के पढ़ सकते हैं और बाकी उनकी इच्छा। हरे कृष्णा।